Hello friends, I am Suraj Kumar Tiwari from Computer and Excel Solution Channel and आज हम बात करेंगे पैटर्न प्रोग्रामिंग के बारे में। तो C पर स्टार पैटर्न कैसे बना सकते हैं, इसी पर बेस्ड ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड इंक्लूड मोनियो डॉट एच। फिर यहाँ मेन फंक्शन बनाएंगे, वाइड मेन लिखा मैंने। वाइड मेन लिखते हैं हम इसलिए क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक क्वेश्चन इंटरव्यू में तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है। देखिए, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, बट मेन फंक्शन को जो कॉल करता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें लेना होगा डेटा टाइप। चलिए डेटा टाइप लेते हैं। मैंने इंट ले लिया और दो बना लिए हमने वेरिएबल, यहाँ ले लिए जे और आई ले लिया, सी एल आर एस सी आर लगाया। क्लोज किया, टर्मिनेट किया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ फॉर लूप लगा लेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे 1 से। आई इज लेस देन और इक्वल टू 12। आई प्लस प्लस करेंगे। ओके, नीचे आएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फॉर लूप एक बार और लगाएंगे, जी इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, जे इज लेस देन और इक्वल टू 12, जे प्लस प्लस कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाया। यहाँ हम लगाएंगे प्रिंटर में हम चाहेंगे क्या प्रिंट हो, स्टार प्रिंट हो, स्टार लगा देते हैं। बट हम चाहते हैं, चलिए फिर यहाँ लगाते हैं प्रिंट ऑफ, ठीक है। और यहाँ प्रिंट कराते हैं स्पेस, ठीक है। अभी हम नहीं चाहते कि दोनों प्रिंट ऑफ एक साथ चल जाए, तो हमें यहाँ लगाना होगा इफ एल्स। तो लगाते हैं इफ और यहाँ लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन में देंगे आई इज लेस देन जे, ये हमने कंडीशन दे दी। और यहाँ पर लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। अब नीचे आते हैं, चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रिंट एफ है और यहाँ पर जो प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर दूसरी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ बैकस्लैश एन लिखेंगे, बैकस्लैश एन। यहाँ पर करेंगे टर्मिनेट प्रोग्राम को और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नीचे आकर गेट सी एच लगाएंगे। गेट सी एच ऐसे वर्क करता है सी लैंग्वेज में, जैसे कि बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर। ओके, इसको सेव करना है। जनरली हम स्पीड ब्रेकर को पार कर जाते हैं अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो, लेकिन यहाँ पर ये प्रोग्राम यहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। डॉट सी फाइल से इसे सेव किया और अब हम इसे रन कराने वाले हैं, तो कंपाइल कराते हैं पहले। तो कंपाइल हो गया प्रोग्राम हमारा, उसके बाद अब रन कराएंगे तो ये रन भी हो गया। तो देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम बना है ये। ये देखिए कैसा स्टार पैटर्न प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया है, ध्यान से देखिए, आई इज लेस देन जे किया है हमने, और ऊपर क्या कंडीशन क्या दी हुई है देखिए। वाइड मेन लगा करके मैंने आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया और 12 तक चलाया। फिर तो इस तरीके से हम स्टार पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें कमेंट भी करिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि ये वीडियो हम आपको कैसी लग रही है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है कि नहीं।
अगर नहीं मिल रहा है तो मैं शायद इस वीडियो को डिलीट कर दूं या वीडियो बनाना ही बंद कर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।